बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। बुर्जुगान एनसाइक्लोपीडिया लेकर एक टीवी से हाजिर हूँ। गुफ्तगू करेंगे बुर्ज दल्व एक्वेरियस के बारे में। दल्व अफराद को चश्मे के पानी और कार्बोनेट पानी से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन को अपने अंदर रखने की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की नहीं। मंजर की तब्दीली भी इन पर खुशगवार असर डाल सकती है। बुर्ज दल्व पिंडलियों और टखनों पर हुकूमत करता है, सांस और बिनाई पर भी इसकी हुक्मरानी है। इसका खून और इसकी गर्दिश से करीबी ताल्लुक़ है और नाखालिस खून का भी रुझान पाया जाता है। दल्व अफराद असाबी अमराज, उदासी, हसद का शिकार हो सकते हैं। आदात और ख्यालात की पुख्तगी मर्ज को तवील करती है। दल्व को मखसूस बीमारियों में कमज़ोर या नाखालिस खून, ऑक्सीजन की कमी, अमराज कल्ब, फूली हुई नसें, गेंठियाँ, तशनज, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़, पैरों या टखनों की सूजन, पीठ का दर्द, हद से बढ़ी हुई हसीद, बेनाई की कमज़ोरी, अशोब चश्म और अज़ू मखसूसा का इन्फेक्शन शामिल है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।